सो सेकंड क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि अगर मोमेंटम क्या हो जाए भाई, 50% से इंक्रीज हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी, ना देखिए ध्यान से। अभी देखिए यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला होता है भाई एम इन टू वी। ओके, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पी इनिशियल की वैल्यू, लिख लेता हूँ भाई यहाँ पे एम इन टू वी। ओके, पी इनिशियल की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे, एम इन टू वी। नाउ अभी मैं यहाँ पे जो पी फाइनल है, इस पी फाइनल को मैं लिख लेता हूँ एम इन टू वी वन। ओके, पी फाइनल क्या हो गया भाई, एम इन टू वी वन। नाउ ये बोल रहे हैं क्या कि इसके मोमेंटम में कितना इंक्रीज हो गया भाई, मोमेंटम में इंक्रीज हो गया 50% का। ओके, तो नाउ अगर मैं आपसे लिखू आपसे वो फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया भाई, जितना मोमेंटम पहले था, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जितना मोमेंटम पहले था उससे 50% क्या हो गया भाई, इंक्रीज हो गया, है ना। अगर मान लो आपके पास क्या है, 1 रुपया है, और आपसे बोला गया कि आपकी संपत्ति में क्या हो गया भाई, 50% का इजाफा हो गया, है ना। ऐसे बात ऐसे समझिए आप इस बात को, कि अगर मान लो आपके पास अभी कितना इनिशियली 10 रुपए है, और ऐसा बोला गया कि आपकी पूरी जो नेटवर्थ है उसमें 50% का इंक्रीमेंट हो गया, यानी अभी आपके पास कितना रुपया है, तो अभी आपके पास देखो इनिशियली तो 10 था, कितना इसमें इंक्रीमेंट हो गया भाई, 50% का, करेक्ट। अभी कितनी सेल्फ टोटल नेटवर्थ है आपकी, तो पहले से तो 10 था, 50% इसका और बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, 10 का 50% आपको क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, आपके पास जो नेट अभी रुपया है वो कितना है, 10 + 5 कितना है भाई, वो 15, करेक्ट। तो नाउ फाइनल मोमेंटम भी क्या देख लेंगे भाई, फाइनल मोमेंटम आपको ऐसे देख सकते हैं हम, पी इनिशियल प्लस पी इनिशियल का 50/100। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी फाइनल इज इक्वल्स टू पी इनिशियल प्लस पी इनिशियल बाई टू, यानी जो आपका जो पी फाइनल आ गया वो कितना आ गया भाई, वो आ गया आपके पास 3/2 ऑफ पी इनिशियल, करेक्ट। ओके, ये बात समझ में आ गई, इनिशियल मोमेंटम क्या था, एमवी था, मोमेंटम 50% बढ़ गया, तो हमने निकाल लिया कि 50% बढ़ गया तो मोमेंटम कितना हो गया, तो ये रिलेशन आया मेरे पास, पी फाइनल इज इक्वल टू 3/2 ऑफ पी इनिशियल। ओके, नाउ अभी देखिए आगे इस रिलेशन को हम आगे लेके चलते हैं, तो दिस इज पी फाइनल इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ पी इनिशियल। ओके, नाउ अभी देखिए फाइनल मोमेंटम को मैंने क्या माना भाई, एम इन टू वी वन माना यहाँ, करेक्ट, ये लिया, इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ पी इनिशियल, तो पी इनिशियल कितना है भाई, एम इन टू वी। ओके, नाउ यहाँ से एम से एम क्या हो गया, कट गया, एम से एम यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो अभी देखिए वी वन इज इक्वल टू क्या आ गया भाई आपके पास, 3/2 टाइम्स ऑफ वी। ओके, नाउ अभी देखिए आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है और आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, तो हम कंपैरिजन कर लेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे कंपैरिजन। काइनेटिक एनर्जी कितनी है इनिशियल, तो के इनिशियल की वैल्यू है आपके पास हाफ एम, एंड दिस इज वी स्क्वायर। ओके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए तो ये वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, यानी कि ये हो गया भाई आपके पास हाफ एम इनटू 3/2 वी का होल स्क्वायर। ओके, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई आपके पास हाफ एम इंटू 9/4 का 4 × V², करेक्ट, ये हो गया आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। नाउ अभी आपने बचपन में परसेंटेज नामक एक चैप्टर पढ़ रखा है ना, तो उसमें मान लीजिए अभी आपके पास इनिशियल वैल्यू दे रखी है और फाइनल वैल्यू दे रखी है, और पूछे आपसे कि कितना इसमें परसेंटेज चेंज हुआ, करेक्ट। तो परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना। जैसे मान लो कि आपके मार्क्स इनिशियली है 10 मार्क्स, आपके मार्क्स बढ़ के कुछ हो गए 30, तो पूछा गया कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन मार्क्स, तो क्या लिखेंगे, फाइनल मार्क्स माइनस इनिशियल मार्क्स अपॉन इनिशियल मार्क्स, करेक्ट। तो इस तरह हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। सो नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे, तो डेल्टा के मतलब मैं क्या लिखूंगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, सो यह आएगा आपके पास के फाइनल की वैल्यू कितनी है भाई, हाफ एम इंटू 9/4 × V² माइनस के इनिशियल कितना है भाई, हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आपके पास हाफ एम इनिशियल की वैल्यू है वी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 100 से। सो नाउ 100 से मल्टीप्लाई किया, तो अभी आप देखिए ध्यान से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना,
हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ भी कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ भी कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, है ना। सो हाफ एम वी स्क्वायर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, उड़ा देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा हाफ एम वी स्क्वायर और ये बचेगा 9/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई हाफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो हाफ एम वी स्क्वायर मैंने यहाँ पे किया कैंसिल आउट किया और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 9/4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 9/4 माइनस 1 को सॉल्व करेंगे तो आता है हमारे पास 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 100। चार से इकट्ठा 25, 25 सौ के 100, 25 बोले 5 आया आपके पास 125 पर्स। तो ये हो गया आपके पास आंसर आ गया 125 पर्स। यस, हाँ जी समझ में आया। जिन बच्चों का डाउट था बताइए, दिस क्लियर टू एवरीवन। ओके एवरीवन, सो नाउ अभी थोड़ी हमारी प्रैक्टिस नहीं थी, है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर देखो कोई भी सवाल है कैसे भी हो जाए। तो मैं और रिएक्ट करूंगा और आगे बस सवाल दिखाऊंगा इस पेपर में, कितने हमने पेपर में किए थे, कितने हमने नोट्स में कर रखे थे और कितना ऐसा आया। ओके, तो जैसे अभी आपको एक साल के बाद आपका जो कोर्स खत्म हो जाएगा विल रन अ टेस्ट सीरीज, है ना। तो उस टेस्ट सीरीज में ऐसे ही इधर उधर से कैसे भी सवाल आएंगे, बट आपको सॉल्व कैसे करना है फ्रॉम बेसिक प्रिंसिपल्स। ओके ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट है? यस यस, डब्ल्यू पी की शीट, डब्ल्यू पी यस अभय पवार, डब्ल्यू पी की शीट आई एम जस्ट कंपाइलिंग, है ना, मैंने आपको ऐसे नहीं भेज सकता, उसमें काफी सारी थोड़ी सी गलतियां हैं, क्वेश्चन को अरेंज करना है, तो विल टेक वन मोर डे, है ना, तो कल तक आपके पास आ जाएगा। I am also very much concerned. Yes, question number 3. 3 में doubt है. 3 में doubt है बच्चों. Past. No doubt. किसी बच्चे को doubt है बताइए. Yes. Okay. एक बच्चे को doubt है. We'll solve this question. देखिए ध्यान से. तो question number 3 आप ध्यान से पढ़े. तो इसमें क्या लिख रखा है? टू मासेस ऑफ 1 ग्राम एंड 4 ग्राम आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी अभी क्या है, यहाँ पे इक्वल है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा, लीनियर मोमेंटा के मैग्नीट्यूड रेशियो का मैग्नीट्यूड क्या होगा। सो नाउ पहले आपको ये बात समझनी है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या होता है भाई, रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। ओके, सो नाउ यहाँ पे ऐसा दे रखा है, एक 1 ग्राम है और एक आपके पास 4 ग्राम। नाउ ये ऐसा बता रखा है कि काइनेटिक एनर्जी इन दोनों की क्या है, इक्वल। ओके, सो नाउ ऐसा लिख सकता हूँ E1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ M1 इज इक्वल टू E2 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ M2। ओके, नाउ ये आ गया आपके पास E1 square upon 2 into this is 1 is equal to E2 square upon this is 2 into ये आ गया 4। अभी देखिए 2 से 2 यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं और P1 upon P2 का यहाँ पे रेशियो लेंगे तो दोनों तरफ क्या करते हैं, हम रूट कर देते हैं ना, तो ये आ जाएगा आपके पास P1 upon 1 is equals to P2 upon 2। तो नाउ P1 upon P2 का रेशियो लेंगे, P1 is to P2, तो ये आएगा आपके पास 1:2। लिख लीजिए, जिन बच्चों को थोड़ा भी डाउट है वो लिखते जाइए। तो कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन सही किया, टेल मी ऑनेस्टली। तो जस्ट अभी देखिए इसमें आपको फॉर्मूले का यूज है, क्या फॉर्मूले का यूज है भाई, P is equal to P square upon 2M, that's all। तो फॉर्मूला याद रहा तो आपने कर लिया, पर फॉर्मूला अभी भूल गए तो फिर ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है किसी बच्चे को? बिल्कुल आप बिना डरे हुए बोलिए, हर सवाल में सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी बच्चे को डाउट है, पूछना है, टाइप कीजिए यस। अगर पूछना है टाइप कीजिए यस। एनीवन एनी डाउट किसी बच्चे को?
ओके क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, क्वेश्चन रीड भी कर देता हूं, जस्ट अ मिनट, आई विल शो ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार ये कह रहा है कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स फोर टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू देन इट्स न्यू मोमेंटम विल बी। हाँ पूछना है बताइए, ए इज द करेक्ट आंसर। साक्षी पूछना है, ओके फिर से करेंगे इसको डिस्कस। तो देखिए ध्यान से, जस्ट शेयर नोटबुक। हाँ तो क्वेश्चन नंबर फोर देखिए ध्यान से क्या कह रहा है यहाँ पे। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बिकम्स फोर टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू देन न्यू मोमेंटम विल बी, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी अभी मान लीजिए यहाँ पे सपोज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैं मान लेता हूँ दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैं मान लेता हूँ तो उसमें वेलोसिटी मान लीजिए क्या हो जाती है वी टू हाफ एम वी टू का स्क्वायर, करेक्ट। ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। ना अभी क्या बोल रहा है भाई, अभी ये बोल रहा है आपको कि के फाइनल बिकम्स फोर टाइम्स ऑफ के ऑफ इनिशियल, है ना। तो अभी यहाँ पे लिख लेते हैं, तो के फाइनल कितना हो गया भाई, हाफ एम इंटू वी टू के स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इंटू हाफ इंटू एम इंटू वी के स्क्वायर, करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे एम से एम यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये हाफ से ये हाफ कैंसिल हो गया और ये आपके पास आ रहा है v2 square is equal to 4 times of v square। तो यहां से v2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 times of v, करेक्ट। नाउ मास तो क्या है, बॉडी का कांस्टेंट है, है ना। अब फाइनल मैं मोमेंटम देख लेता हूँ, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया भाई, इनिशियल मोमेंटम देख लो तो इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास v, तो p इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी m into v। फाइनल फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई, v2 क्या है मेरा फाइनल वेलोसिटी, तो मोमेंटम को लिखूंगा मैं m into 2v, मतलब आंसर क्या हो गया भाई, becomes twice of its initial value, मतलब फाइनल मोमेंटम क्या हो गया भाई, जस्ट दो गुना हो गया इनिशियल, दैट्स ऑल। यस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। हाँ जी क्वेश्चन नंबर फाइव पूछना है, तो क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है भाई, इन विच केस डज द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, सो ऑन कंप्रेसिंग ए स्प्रिंग। तो कंप्रेसिंग जब स्प्रिंग को क्या करते हो, जब आप कंप्रेस करते हो तो क्या होता है भाई, सपोज आपके पास क्या है कि स्प्रिंग है ना, आपके पास क्या है कि स्प्रिंग है, अभी ये जस्ट वो अपनी नेचुरल लेंथ पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स स्टैंड्स फॉर एनी कंप्रेशन और एक्सटेंशन। तो जब स्प्रिंग को हम कंप्रेस कर रहे हैं उसका मतलब क्या हो रहा है कि वी हैव सम कंप्रेशन, यानी एक्स की वैल्यू कुछ तो आ रही है, तो आप कंप्रेस कर रहे हो मतलब एक्स क्या हो रहा है, कुछ तो कुछ ना इंक्रीज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। तो यानी कि क्या होगा भाई, एक्स इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज होगी पहले केस में। ऑन स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग, स्प्रिंग को अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो फिर भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, बढ़ेगी, है ना। ऑन मूविंग अ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आप जमीन से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी, कितनी इंक्रीज होगी, एम जी एच इंक्रीज होगी। तो एम जी एच अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या हो गया भाई, पोटेंशियल एनर्जी वहां पर इंक्रीज हो रही है, तो तीनों में तो क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, आंसर इज डी। इसका रीजन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको ना फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाया जाएगा, तो जस्ट आपको ये तीनों चेक करने थे कि तीनों में क्या है, करेक्ट है या नहीं है, तीन पता है तो चौथा आपको आंसर ऑटोमेटिकली पता है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में डाउट, क्वेश्चन नंबर सिक्स में डाउट है, यस एलिमिनेशन के साथ, वेरी गुड श्योर, क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछना है, ओके चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स को हम सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत ही आसान सा सवाल है। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स करेंगे अभी यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपसे ये पूछा जा रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक बार सवाल दिखा दो आपको, रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सर्टेन स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड थ्रू अ डिस्टेंस एस इज 10 जूल्स। मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी अब कितनी है भाई, 10 जूल्स है जब एस अमाउंट के डिस्टेंस से खींचा है तब। तो अभी आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट मस्ट बी डन ऑन दिस स्प्रिंग टू स्ट्रेच इट थ्रू एन एडिशनल डिस्टेंस ऑफ 2s। एक और बार s बार खींच दिया तो बताइए व्हाट इज द वर्क डन, है ना, और वो भी जूल में। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रीड कर लीजिए क्वेश्चन। सो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर छह में ये कहा जा रहा है आपसे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है स्प्रिंग की, तो ये है हाफ के एस स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है पोटेंशियल एनर्जी। बट अभी दे रखा है आपके पास ये कितना है, दिस इज 10 जूल, और जब इसको एस डिस्टेंस है आपने इसको खींच रखा है तो। नाउ अभी देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई यहाँ पे आपके पास क्या है स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है अभी आपके यहाँ पे नेचुरल लेंथ में, फिर आपने क्या किया इसको इनिशियली एस लेंथ से खींच दिया है, फिर आपने क्या किया इसको एस लेंथ से और खींच दिया है ना। तो अगर हम यहाँ पे इसके नेचुरल लेंथ से देखें तो इसका जो फाइनल जो एक्सटेंशन है वो कितना है भाई, दैट इज 2s। दैट इज क्या है भाई, 2s है, और इनिशियल स्ट्रेच है वो कितना है, एस है। तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है, तो ये होता है हाफ के इंटू एक्स टू, हाफ के एक्स टू का स्क्वायर माइनस हाफ के इंटू एक्स वन का। सभी लोग ये जानते हैं फॉर्मूला, कराया गया है आपको। नाउ अभी देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आएगा हाफ के इंटू एक्स टू की वैल्यू क्या है भाई, अभी यहाँ पे दिस इज 2x, 2s का स्क्वायर माइनस हाफ के इंटू एस का स्क्वायर, करेक्ट। तो यहां से देखिए ध्यान से, सो ये आ जाएगा आपके पास 4s स्क्वायर बाई 2 2k माइनस ये आ जाएगा आपके पास हाफ के एस स्क्वायर, करेक्ट माई करेक्ट। और आप यहां से फिर से अभी आप उसको सॉल्व करोगे, इज इट करेक्ट, 2 स्क्वायर हो गया आपके पास 4 बाई 2, तो अभी आपके पास ये बच रहा है दिस इज 2, तो यहाँ पे आप 2 एस स्क्वायर के माइनस हाफ के एस स्क्वायर, मतलब 2 माइनस हाफ मतलब ये कितना आ गया भाई, ये आपके पास आ गया 1 बाई 3 बाई 2, इट विल कम हियर 3 बाई 2 के इंटू एस स्क्वायर, करेक्ट। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ऊपर ये वैल्यू दे रखी है हाफ के एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 10, हाफ के एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई 10। तो नाउ अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 3 इंटू इसको ऐसा लिख देंगे हाफ के एस स्क्वायर, हाफ के एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई 10, करेक्ट। तो ये आपके पास आ गया 3 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 30 जूल्स। यस यस, आई बात समझ में आपको सबको। यस डन, तो इसमें फॉर्मूला बस आपको पुट करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ओके नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। देखिए ध्यान से, प्रैक्टिस ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन नंबर सेवन फिर से आया आपके सामने, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट 800 न्यूटन मीटर हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, एक्स वन की वैल्यू दे रखी है आपको 5, तो वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 टू 15 इज, एक्स टू दे रखा है आपको 15, एक्स वन दे रखा है 5, चलिए इसका वर्क डन निकालिए। पूछना है किसी बच्चे को ये, एनीवन टाइप कीजिए यस, अगर पूछना है तो, अदरवाइज नो टाइप कीजिए। एवरीवन पूछना है, ओके मानो, देखिए ध्यान से, देखिए
करेंगे इस सवाल को। सवाल पढ़ लीजिए। स्प्रिंग हैज अ फोर्स, देखिए स्प्रिंग हैज अ फोर्स कांस्टेंट ऑफ 800 न्यूटन पर मीटर हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। द वर्क डन इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम 5 टू 15, 5 से 15 तक खींचा तो कितना वर्क होगा, तो इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना दे रखा है, 800 न्यूटन पर मीटर दे रखा है, और यहाँ पे जो एक्सटेंशन की वैल्यू वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर में। तो एक काम तो आप ये करो कि इसको आप मीटर में चेंज कर लो इन दोनों को, या फिर इसको आप न्यूटन पर सेंटीमीटर में चेंज कर लो। ओके, सो नाउ वर्क डन क्या होता है भाई, वर्क डन होता है हाफ के इंटू एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर। ओके, तो ना जो आपके पास के है ना, मैं क्या करता हूँ के को इसमें चेंज कर लेता हूँ न्यूटन पर सेंटीमीटर में। तो क्या करना होगा मुझे, इसे 800 को मैं 100 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ गया मेरे पास 8 न्यूटन पर सेंटीमीटर, करेक्ट। तो भी के की वैल्यू को मैंने चेंज करके 8 न्यूटन पर सेंटीमीटर में लेके आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये आएगा आपके पास हाफ इंटू 8 इंटू एक्स टू की वैल्यू है 15 का स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो यह आएगा आपके पास हाफ इंटू 8 इंटू यह आएगा आपके पास 225 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया आपके पास 25। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा भाई, ये हाफ इंटू 8 इंटू यह आपके पास आ गया 200, है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है आपके पास समथिंग 800, है ना। ये हो गया 2 से 4, और 200 × 4 कितना हो गया भाई, ये आपके पास आ गया 800 न्यूटन पर सेंटीमीटर, है ना। तो न्यूटन पर सेंटीमीटर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 8 न्यूटन पर मीटर, है ना। फिर अब इसको मीटर में चेंज करना है तो फिर क्या करेंगे भाई, फिर से आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो अभी सेंटीमीटर में है, फिर से आ गया आपके पास मीटर में, मतलब न्यूटन पर मीटर मतलब क्या हो गया भाई, ये आपके पास आ गया 8 जूल्स। आंसर आ गया भाई आपके पास कितना, आंसर आ गया आपके पास 8 जूल्स। तो 7 दे रखा है आपके पास, यस आंसर इज 8 जूल्स। तो ध्यान आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे देखिए ये जो 5 है ना, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 5/100 लिख सकते हो, और इसको आप 15/100 लिख सकते हो, दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, वैसे भी आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ दिस इज वेरी 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 गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यस कितने बच्चों से हो गया, कितने लोग कर पाए, वेरी गुड। पूछना है किसी बच्चे को, पूछना है तो लिखिए यस, अदरवाइज नो। इसका आंसर सी है, -3 mg/4 क्वेश्चन नंबर 8 का, मानव समीर, ओके पूछना है, चलिए सॉल्व करेंगे इसको। बहुत ही अच्छा सवाल, ये सवाल ना एम्स के एग्जाम में 2004 में आ रखा है, सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले सवाल को थोड़ा ध्यान से एक बार आप रीड करेंगे, तो सवाल में क्या कह रखा है, सवाल में बोल रखा है इन्होंने कि अ कॉर्ड इज यूज्ड, मतलब कॉर्ड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कुछ वायर, ओके, कॉर्ड इज यूज्ड टू लोअर वर्टिकली अ ब्लॉक ऑफ मास एम बाय अ डिस्टेंस बी, मतलब इसको डी डिस्टेंस क्या किया इन्होंने, नीचे लेके आए, ओके, इतना कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ g/4, मतलब a की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे g/4 है। तो पूछा जा रहा है कि वर्क डन बाय कॉर्ड ऑन द ब्लॉक, वर्क डन बाय कॉर्ड ऑन द ब्लॉक, नाउ वर्क डन किसका होता है, आपने कभी ऐसा पढ़ा है क्या कि वर्क डन किसी एक पर्सन का हो रहा है, वर्क डन किसी एक कुत्ते का हो रहा है, वर्क डन किसी एक बिल्ली का हो रहा है, पढ़ा है क्या आपने कभी ऐसा, आपको क्या पढ़ाया गया है, वर्क डन ऑलवेज एंड ऑलवेज फोर्स का,
करेक्ट। तो अब यहाँ पे आपको ये बात सोचनी है कि वर्क डन बाय कॉर्ड नहीं देखना है, एक्चुअली कॉर्ड में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका वर्क डन देखना है ना। तो यहाँ पे किसी पर्सन का, किसी ऑब्जेक्ट का वर्क डन हमें नहीं देखना, किसका वर्क डन देखना है भाई, हमें इसका फोर्स का वर्क डन देखना है। तो और ध्यान से देखो तो इस पे नीचे क्या लग रहा है भाई, यहाँ पे नीचे एम जी फोर्स लग रहा है और ऊपर टेंशन टी लग रहा है और ब्लॉक का एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ ए इक्वल टू जी बाई फोर। सो नाउ क्वेश्चन में पूछ रखा है कि कॉर्ड का वर्क डन आप निकाले, वर्क डन बाय कॉर्ड यानी वर्क डन बाय टेंशन निकालना। तो बहुत ही आसान सी बात है, हम क्या करेंगे अभी हम एफनेटिकल स्वयं हमें अप्लाई करेंगे और यहां से हम टेंशन की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो नाउ देखिए यहाँ पे एफनेट इज इक्वल टू हमें कैसे आएगा, तो ब्लॉक नीचे आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा इक्वेशन भाई, यहाँ पे लिखूंगा एम जी टेंशन लग रहा है ऊपर तो माइनस पी, एम जी माइनस पी इज इक्वल टू एम इन टू ए, करेक्ट। ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम, एम जी माइनस पी इज इक्वल टू एम इन टू ए की वैल्यू कितनी है भाई, अभी यहाँ पे जी बाई फोर है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू जो आती है वो आती है एम जी माइनस एम जी बाई फोर। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो टेंशन की वैल्यू आती है आपके पास 3 mg/4। अभी देखिए ध्यान से, ये ब्लॉक है, टेंशन ऊपर लग रहा है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, यानी ये है फोर्स, ये है डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का एंगल कितना है भाई, दिस एंगल इज 180 डिग्री। अब जब भी 180 होता है तो वर्क डन क्या आता है भाई, निगेटिव आता है, बिकॉज पास 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। So, यहाँ पे आप ऑप्शन देखो तो उसमें देयर इज ओनली अ सिंगल आंसर जिसमें आपको साइन माइनस दे रखा है, तो जिसको पता है कि टेंशन ऊपर लग रहा है ब्लॉक नीचे आ रहा है वो आराम से आंसर सी टिक कर देगा, उसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। ओके तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, दैट इज दैट विल बी एफ इंटू डी इंटू कॉस ऑफ 180। तो फोर्स कितना लग रहा है भाई, 3 mg/4 इंटू डी इंटू कॉस 180 की वैल्यू -1, तो आपके पास माइनस ऑफ 3 mg/4 इंटू डी। तो इस तरह से सवाल नंबर 8 हो गया। यस क्वेश्चन नंबर नाइन एवरीवन पूछना है, क्वेश्चन देख लो आप एक बार। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से, ओके चलिए डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, मोटर पंप सेट लिफ्ट्स 300 किलोग्राम ऑफ वाटर पर मिनट फ्रॉम अ वेल ऑफ डेप्थ 20 मीटर, मतलब कुएं की जो गहराई है वो 20 मीटर है, और फिर जब ये वेल से जब बाहर निकालता है तो फिर 20 मीटर और ऊपर लेके जाता है, देन पावर पूछ रहे हैं। तो पावर बहुत ही सिंपल है ये सवाल, तो पावर का फॉर्मूला आपको पहले याद होना चाहिए। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, रेट ऑफ वर्क डन, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, सो पावर विल बी वर्क डन टाइम। नाउ यहाँ देखिए, ये एक वेल है, यहाँ से 300 केजी पानी यानी 300 केजी का एक ब्लॉक यहाँ से उठाया जा रहा है, और इसको कितनी हाइट तक लेके जा रहे हैं, तो 20 + 20 मतलब ये 40 मीटर की हाइट तक इसको लेके जा रहे हैं ऊपर। सो नाउ ये वर्क डन कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा एम की वैल्यू है आपके पास 300, जी की वैल्यू आप 9.8 या फिर 10 भी ले सकते हैं, एच की वैल्यू ले लिया आपने 40, और ये पूछा जा रहा है आपसे टाइम दे रखा है पर मिनट, तो पर मिनट का मतलब क्या होता है भाई, 60 सेकेंड्स है ना, तो इंटू 60। देखिए यहाँ से पावर क्या होता है, 1 वाट होता है, और 1 वाट का मतलब क्या होता है, 1 जूल/सेकेंड, करेक्ट। तो इसको हमने पर सेकेंड में यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया, चेंज किया, तो इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आता है, इसको मल्टीप्लाई किया ये इन दोनों को, तो ये आता है आपके पास 2940/40/60। सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 1960 वाट, और ये पूरा आ जाता है आपके पास 1.96 किलोवाट, 1000 से डिवाइड करेंगे तो। यस क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10, यस क्वेश्चन नंबर 10 फास्ट। देख लीजिए सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, ये पूछना है आपको। अ फोर्स 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 4 सेकंड्स एंड प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इतना, है ना, 3i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप, द पावर यूज्ड इन, है ना। नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ना। तो देखिए वर्क का डेफिनेशन क्या होता है, वर्क का डेफिनेशन होता है एफ इंटू एस, करेक्ट। और पावर की क्या होती है भाई डेफिनेशन, वर्क डन अपॉन टाइम, करेक्ट, वर्क डन अपॉन टाइम। तो अभी देखिए यहाँ पे आप एफ डॉट एस करके आप वर्क निकाल सकते हो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो भाई, एफ डॉट एस करके आप इसका वर्क निकाल सकते हो, है ना। सो जो भी आपके पास ये सवाल दे रखा है, यहाँ पे पावर निकालने के लिए पावर का फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और ये हो जाएगा आपके पास एफ डॉट एस डिवाइड बाई टी। तो एफ डॉट एस क्या होगा आपके पास, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 डिवाइड बाई टाइम कितना हो गया 4। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे आता है 4.5 वाट्स, करेक्ट। तो बस आपको यहाँ पे ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। यस, वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिखाता हूं मैं आपको एक बार। बात इसमें इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन छुपा है, क्वेश्चन नंबर 11। कितने लोगों से हो गया, कितने लोगों ने कर लिया, कितने को पूछना है, यहां से पूछना है, नहीं आया, ओके ओके करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, वेरी गुड। देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप एक बार पढ़ लीजिए, सवाल को पढ़ेंगे तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, ट्रक ऑफ मास 30,000 kg मूव्स अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ स्लोप 1:100 एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, पावर ऑफ द ट्रक इज गिवन एज, समझना इस सवाल को हमें। सो ऐसा देखिए यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन की बात कही है यहाँ पे। सो देखिए ये क्या है आपके पास, एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये ऐसा उत्पटांग लिख रखा है कि मूव्स अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ स्लोप 1:100। तो देखिए जब भी ऐसा कुछ लिखा रहे ना, उसका मतलब क्या होता है कि एक इंक्लाइन प्लेन है हैविंग एन एंगल थीटा, और यहाँ पे क्या है भाई, ये लेंथ 1 है और ये वाली लेंथ है यहाँ पे आपके पास 100। तो स्लोप 1:100 का मतलब क्या होता है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, दिस लेंथ इज 1 एंड दिस इज 100। तो अभी से कुछ भी ऐसा सवाल आया था तो आप यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना, करेक्ट ना। देखिए दूसरी बात, यहाँ पे एक ट्रक है बहुत बड़ा और ये ट्रक ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो जाहिर सी बात है कि इस ट्रक पे कोई ना कोई यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है इधर एफ की तरफ इस डायरेक्शन में, एंड दैट फोर्स विल बी हाउ मच, इट विल बी एम जी साइन थीटा, है ना। अब इस एम जी साइन थीटा को ये ओवरकम करेगा अपने इंजन के फोर्स के थ्रू, तभी ये क्या कर पाएगा भाई, आगे बढ़ पाएगा। नाउ ऐसा करने के लिए क्या चाहिए, इसको कुछ ना कुछ क्या चाहिए भाई, पावर चाहिए, करेक्ट, है ना। अगर ट्रक के पास पावर होगी तभी क्या होगा, आगे बढ़ पाएगा। तो आपने देख रखा होगा कभी कभी, मान लीजिए कैसे स्लोपी रोड है ना, तो कई सारी ऐसी गाड़ियां होती है जैसे चलते 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 रहती है, बट जैसे यहाँ हाइट पे आती है तो फिर वहां पे बंद पड़ जाती है, तो ड्राइवर को हैंड ब्रेक लगाना पड़ता है, फिर उतर के दो चार लोग पीछे से आते हैं, इसको धक्का मारते हैं, फिर ये गाड़ी आगे जाती है। वैसे छोटी छोटी गाड़ियां होती है उनमें उतना पावर ही नहीं होता, अभी जो छोटे छोटे टेम्पो होते हैं वो फुल एक्सीलरेट करते हैं, फिर जाके वो ऊपर चढ़ पाते। सो नाउ आपको देखिए ध्यान से, एक फॉर्मूला आपको बता रखा है, कौन सा फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी, ये भी एक फॉर्मूला होता है, करेक्ट, पढ़ा होगा आपने। सो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है भाई, फोर्स लग रहा है एम जी साइन ऑफ थीटा, और इसकी वेलोसिटी कितनी है भाई, 30 किलोमीटर पर आवर इंटू 30। तो एम की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 30,000, जी की वैल्यू दे रखी है 10, और यहाँ देखिए भाई साइन थीटा की वैल्यू देखिए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/100,
इनटू ये मीटर पर सेकंड में निकालना है इसको, तो इसको लिख लेंगे 30 × 5/80, करेक्ट। तो ये आ गया, अब इसको मस्त सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25 किलोवाट या फिर 25,000 वाट। ओके, यस, हाँ जी, समझ में आया? एनी डाउट? गॉट इट एवरीवन? तो इस बात को ना भी देखिए, जो सवाल अभी यहाँ पे आया है सीखने वाला है, और यहाँ पे आप इसको स्टार मार्क करके अपनी नोटबुक पे लिख सकते हो कि अगर ऐसा कुछ मतलब होता है तो उसका मतलब ये होता है 1 in 100 का मतलब। ओके, नाउ वेरी वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, क्वेश्चन नंबर 12। यस, देख के छोड़ दिया होगा बहुत लोगों ने इसको। यस, क्वेश्चन नंबर 12। यस भाई, क्वेश्चन नंबर 12 कितने लोगों ने कर लिया पहले ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 कितने लोगों ने कर लिया, पूछना है किसी को? पूछना है तो लिखिए यस। पूछना है और बस, तो आपको और किसी बच्चे को? चलिए डिस्कस करेंगे इस सवाल को। ध्यान से एक बार देख लीजिए, ब्लॉक ऑफ मास एम इज इनिशियली एट रेस्ट। यस, इजी था, बहुत इजी सवाल है, देख लेते इसको, डिस्कस करेंगे। इनिशियली एट रेस्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एच ऑन अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के। तो पूछ रहा है द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज एक्स देन, और ये चार एक्सप्रेशन दे रखे हैं और पूछ रहा है इसमें से कौन सा होगा। तो चलिए यहाँ पे इसको हम सवाल को कर लेते हैं, बहुत ही आसान सवाल। तो बेसिकली अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे पुट करना है, फॉर्मूला सवाल आसानी से हो जाए। सो नाउ ये देखिए ध्यान से, आपके पास दिस इज द स्प्रिंग है, यहाँ पे ब्लॉक है, और ये हाइट आपको यहाँ पे कितनी दे रखी है, एच हाइट दे रखी है। ओके, हाइट आपकी यहाँ पे कितनी है भाई, एच है, और इसको यहाँ से क्या किया गया, रिलीज किया गया। ओके, सो नाउ अभी मुझे पता है कि कोई भी यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो यार कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विल बी वैलिड। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, वैलिड होगा। सो नाउ यू कैन राइट हियर, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। ओके, सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस पॉइंट को मैं रेफरेंस मान लेता हूँ। इस पॉइंट को ना मैं क्या कर लेता हूँ, रेफरेंस मान लेता हूँ। यहाँ पे अगर रेफरेंस मान लिया, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, क्योंकि इसको जस्ट ड्रॉप किया गया है ना, जस्ट ड्रॉप किया गया है, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे के इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी जीरो। प्लस ब्लॉक के पास इनिशियली कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल, और मैंने इस पॉइंट को ये रेफरेंस मान लिया, तो जिस पॉइंट पे आप रेफरेंस मानते हो वहां पे पोटेंशियल क्या होती है, जीरो, इनिशियल भी होगी आपके पास। ओके, नाउ क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे क्या लिख रखा है भाई, द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग। सो अगर मान लीजिए यहाँ पे ये ब्लॉक ऊपर से नीचे गिरा और इसने स्प्रिंग को क्या किया, ऐसे ऐसे दबा दिया, और इतना इसमें क्या हो गया भाई, कॉम्प्रेशन हो गया। ये मान लेते हैं मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हो गया, तो यानी कि जब कॉम्प्रेशन मैक्सिमम हो रहा है तो ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। दिस इज अ वेरी 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 सेलिब्रेटेड कॉन्सेप्ट, अगर मान लीजिए इतना बड़ा स्प्रिंग। ओके, और ये क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन करते जा रहा है, इतना कॉम्प्रेस किया, इतना कॉम्प्रेस किया, इतना कॉम्प्रेस किया, तो जब तक ये कॉम्प्रेस करते जाएगा तब तक ना कुछ तो वेलोसिटी रहेगी वहां पे। बट जब आपका कॉम्प्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा, सपोज कुछ ऐसा हो गया, इतना सा स्प्रिंग हो गया आपका ऐसा छोटा, ओके, तब उस टाइम पे तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी नहीं रहेगी, कंप्रेशन कर दिया क्या भाई, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, उस पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या है भाई, प्लस अभी देखिए यहाँ पे दो पोटेंशियल एनर्जी है, एक तो ये ब्लॉक ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में क्या है भाई, नीचे की तरफ आया है, नीचे की तरफ आया है। तो अभी देखिए ये एच तो नीचे आएगा ही, करेक्ट, एच नीचे आएगा, प्लस कुछ ना कुछ यहाँ पे ये एक्स डिस्टेंस कंप्रेशन भी करेगा, एक्स ना एक्स डिस्टेंस क्या करेगा, ये कंप्रेशन भी करेगा, ब्लॉक का मास है इसमें,
स्प्रिंग को तो ये दबाए गए दबाए, तो यानी कि ये कितनी हाइट नीचे आ गया भाई, तो ये हाइट नीचे आ गया आपका एच प्लस एक्स हाइट नीचे आ गया। तो एच प्लस एक्स नीचे हाइट आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि रेफरेंस फ्रेम से नीचे आया है, यानी कि इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, माइनस ऑफ एम जी इंटू एच प्लस एक्स, करेक्ट। और अभी देखिए दूसरी, अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, तो पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होती है, एक होता है आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई, ये आपके पास हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स कंप्रेशन है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपके पास हाफ के एक्स स्क्वायर, इसको लिखूंगा मैं प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये माइनस का साइन है, इसको सॉल्व करेंगे इधर की तरफ लेके आएंगे, एम जी इंटू एच प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, समझ में आया सबको, एवरीवन? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सवाल नंबर 13 दिखा दूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको दिखा दूं। मानो आपने कौन सा पेपर दिया था, प्रीमियम का दिया था, वो वाला दिया था एंबिशन का, मार्क्स तो बड़े गंदे आएंगे फिर, कोई बात नहीं, मानो है क्या, पढ़िए सवाल नंबर 13 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे पूछना है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, ब्लॉक ऑफ मास है मूविंग ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस कोलाइड्स विद द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड कंप्रेसेस बाय लेंथ एल। बोल रहा है कि अभी मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन इज, कोलिजन के बाद मैक्सिमम जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, है ना, पूछना है, पूछना है। एवरीवन एवरीवन सब लोग अपने डाउट टाइप कीजिए, पूछना है तो टाइप कीजिए, यस अदरवाइज नो, सभी लोग एवरीवन। एक बच्चे को पूछना है, बाकी सबका हो गया जी, ओके वेरी गुड, हो गया तो बहुत अच्छा। चलिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व, मानो आपसे हो गया, आपने एडमिशन का पेपर दिया था, कौन सा पेपर दिया था, प्रीमियम का, ओके वेरी गुड। चलिए एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जहां स्प्रिंग दिखता है बच्चों को लगता है दिस इज अ टफ क्वेश्चन, सुनाओ अभी देखिए ध्यान से, सो यहाँ पे क्या है भाई, आपके पास सिचुएशन कैसी है, हियर इज अ स्प्रिंग विथ यू, यहाँ पे क्या है, एक स्प्रिंग है ऐसा लगा रखा है आपने, और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऑफ मास है, इधर से आ रही है कितनी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से इधर की तरफ आ रही है, तो ये पूछ रहा है कि द मैक्सिमम मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो नाउ अभी देख लीजिए ध्यान से, फिर से हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा देंगे, ए इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, करेक्ट। सो अभी यहाँ पे ब्लॉक के पास वेलोसिटी कितनी है भाई, वी है, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना हो गया भाई, हाफ एम वी स्क्वायर इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, प्लस ग्राउंड पे है तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हो जाएगी जीरो इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो कहीं ना कहीं जाके ब्लॉक तो रुकेगा, है ना, कंप्रेशन जब होगा तो कहीं ना कहीं ये जाके क्या होगा भाई, रुक जाएगा, तो फाइनल इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा भाई, जीरो प्लस यू फाइनल। मान लीजिए ब्लॉक में कंप्रेशन क्या हो गया, एक्स क्रिएट किया, तो एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इसको बोलेंगे हम हाफ के एक्स स्क्वायर, तो आपके पास इक्वेशन आ गया यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स इज द लेंथ ऑफ कंप्रेशन है,
क्वेश्चन में हमने एक्स को एल एल माना है, तो इसको मैं लिखूंगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के एल स्क्वायर। अब देखिए हाफ से हाफ क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया, तो नाउ यहाँ पे एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया आपके पास के एल स्क्वायर, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास वी इज इक्वल टू एल अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम, है ना। इसको आपने सॉल्व किया तो वी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, वी इज इक्वल टू एल अंडर रूट के बाई। ओके नाउ अभी आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, ब्लॉक का मैक्सिमम मोमेंटम क्या होगा आफ्टर कोलिजन की। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे मास एम इंटू वी की जो वैल्यू है वो क्या है, एल अंडर रूट ऑफ के अपॉन अंडर रूट ऑफ एम, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं इसको। नाउ अभी देखिए फिर आंसर कैसे आएगा, देखिए ये वाला जो आपका m है, ये वाला जो m है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट ऑफ m इंटू रूट ऑफ m लिख सकते हैं इंटू l इंटू अंडर रूट ऑफ k अपॉन रूट ऑफ m। रूट m से रूट m क्या हो गया भाई आपका, यहाँ पे कैंसिल हो गया, सो अभी आपका ये क्या आ जाएगा आपके पास बचेगा l बचा रूट में क्या आ जाएगा k इंटू m। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। Yes, done. Yes, any doubt? Okay, question number 15 हो गया, sorry, 13 हो गया, question number 14 में doubt है, बहुत आसान से सवाल, D है होगा इसका answer, 15th में नहीं doubt, question number 15th में नहीं doubt, question number 15 में doubt, किसमें मानो? कौन से क्वेश्चन में डाउट है आपको 15 में, माना 15 पूछना है आपको 14 पूछना है। ओके चलिए 14 देख लेते हैं हम। ओके 14 15 दोनों देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक सवाल देखिए, सो क्वेश्चन नंबर 14 इधर गया भाई, ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। आई थिंक आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में डिफरेंस आपको नहीं पता। देखिए कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जब हम उनका एप्लीकेशन पढ़ते हैं ना, उनकी डेफिनेशन, तो हमारे सिलेबस में देयर इज ओनली एंड ओनली वन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड दैट इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ओनली इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। तो जो हमारे जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक तो फ्रिक्शन है और दूसरा हमारा रेसिस्टिव फोर्स जितने भी होते हैं वो हमारे नॉन कंजर्वेटिव के कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे कि फ्रिक्शन हो गया, जैसे एयर रेसिस्टेंस हो गया, विस्कोसिटी हो गया, वो सारे क्या है भाई, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। बट जब भी आपको पूछा जाए कि नॉन कंजर्वेटिव एग्जांपल मतलब फ्रिक्शन। ओके नॉट पढ़ रहे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या पूछ रखा है भाई, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज पॉजिटिव फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी से डी और डी टू ई। देखिए ध्यान से यहाँ पे बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में क्या है भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है भाई, एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो तो कोई भी वर्क डन यहाँ पे नहीं रहा, नहीं हो ही नहीं रहा, करेक्ट। बी और सी में देख लीजिए, नाउ सी से डी के बीच में अगर आप देखें तो पार्टिकल एक ही टाइम पे है, पार्टिकल क्या हो रहा है भाई, अभी मूव नहीं कर रहा है ना सी से डी में, तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे वर्कर नहीं है। डी टू ई में देखे ध्यान से तो फिर से वर्कर क्या हो गया भाई, जीरो। डी से ई में वर्कर, सॉरी वेलोसिटी है कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो, फोर्स जीरो तो वर्कर जीरो। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी देखिए ए से लेके बी में, तो इसका जो स्लोप है क्या है भैया, अभी यहाँ पे पॉजिटिव है ए टू बी का ग्राफ का, करेक्ट। यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया, वर्क डन भी आपका पॉजिटिव है। यस इट्स क्लियर। सी टू डी
इट विल बी नेगेटिव सी से डी का कैसे भाई, सी से डी आप देखिए ना इसकी भाई यहाँ पे सी से डी अभी देखिए वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ पे, हाँ डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है भाई वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो इट्स अ नेगेटिव। हाँ भाई सी से डी क्या होगा नेगेटिव होगा, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पूछना है फास्ट, आप सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, 16 पूछना है, एनीबॉडी एल्स 16 कितना लोग सर हो गया क्वेश्चन नंबर 16। वेरी गुड इजी, यस इजी है, देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट के है, व्हेन स्ट्रेच्ड थ्रू 1 सेंटीमीटर पोटेंशियल एनर्जी इज यू एंड इफ इट इज स्ट्रेच्ड फॉर 4 सेंटीमीटर तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, है ना, जस्ट कंपैरिजन कर लेते हैं इसका। तो देखिए कुछ ऐसे करेंगे, सो पोटेंशियल एनर्जी जब 1 सेंटीमीटर में किया है तो दूसरे पार्ट, सो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा U1 और दूसरे पोटेंशियल एनर्जी को लिख लूंगा U2। U1 को लिख लिया आपने हाफ के H1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और U2 को आपने लिख लिया आपने हाफ के इंटू H2 स्क्वायर मतलब ये आपका 4 स्क्वायर। तो हाफ के से हाफ के कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे देख पाएंगे U2 इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ U1 एंड U2 इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ। ओके क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया ना भाई, x0 से x1 खींचा तो हाफ के x1 स्क्वायर आएगा 17 हो गया। 18 भी सेम है, 18 इज सेम एज 16, 16 और 18 क्या है भाई सेम है, थोड़ा कैलकुलेशन करना उसको है ना, 16 और 18 क्या है सेम है। फिर से 18 हो गया, 19 पूछना है भाई किसी को, एग्जैक्टली ये सवाल आपको क्लास में करा रखा है, 18 पूछना है, अरे 18 पूछना है, चलो 18 बता देते हैं, 19 भी पूछना है, चलिए 18 और 19 डिस्कस करते हैं। सो पढ़ लीजिए आपको सवाल नंबर 18 पढ़िए, तो वाटर में क्या है जब 0.02 खींचा है तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ वैसी है, और ये बोल रहा है कि जब 0.1 खींच दिया तो कितना होगा, है ना, तो चलो आप इसको ऐसे कर लो, क्वेश्चन नंबर 18 तो 18 में लिख लो आप यहाँ पे U2 अपॉन U1 इज इक्वल टू हाफ के X2 का स्क्वायर अपॉन हाफ के X1 का स्क्वायर, तो हो गया U2 अपॉन U1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया भाई हाफ के खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 0.1 का स्क्वायर अपॉन 0.02 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो काट पीट के आएगा आपके पास 25, तो आएगा U2 इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ। करेक्ट, और कौन सा पूछना है, 18 में डाउट है, 18 में उसको डाउट है ये वेदांत को, चलिए 19 बताते, देखिए ध्यान से 19 देखिए 19 सवाल, तो 19 क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, और एग्जैक्टली ऐसा सवाल मैंने आपको क्लास में करा, देखिए ध्यान से, तो 19 क्वेश्चन को आप पढ़िए एक बार फिर से, बस हो गया एक और सवाल हो गया, खत्म हो गया। तो ये रखा आपका नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 16 सेंटीमीटर, ओके स्प्रिंग कांस्टेंट इज 4000 न्यूटन पर मीटर एंड द मास ऑफ 20 केजी इज कम फ्रॉम इट, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज, है ना, तो आप याद कीजिए ऐसा सवाल कराया था क्लास में, कैसा कराया था, तो यहाँ पे ऐसा बता रहा है कि इनके पास स्प्रिंग है और स्प्रिंग की कुछ तो नेचुरल लेंथ है, यहाँ पे ऐसे ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ यहाँ पे दे रखा है 16 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर, और इन्होंने क्या किया 20 केजी का मास लाके यहाँ पे हैंग कर दिया, तो अभी ये पूछ रहे हैं कि जब मैंने यहाँ पे 20 केजी का मास यहाँ पे जब हैंग किया है, अगर ये 20 केजी हैंग किया है
तो इसमें कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ, तो मान लेते एक्सटेंशन प्रोड्यूस इज एक्स सेंटीमीटर, है ना, एक्स सेंटीमीटर और एक्स मीटर। सो दिस इज एक्स, तो अभी देखिए यहाँ पे हैंग किया है, तो अभी देखते हैं स्पेस का फोर्स बैलेंसिंग, है ना। तो नीचे तो क्या लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा यहाँ पे केक्स लग रहा होगा, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे अगर ये हैंग कर रखा है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, तो ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम के एक्स इज इक्वल टू एम जी और के इंटू डेल्टा एक्स लिख दीजिए। सो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपके पास एम जी अपॉन के। तो आप क्या करें, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो, के की, एम जी और जी की, एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते। कराया था नहीं कराया था ये सवाल क्लास में? ओके, इज दिस क्लियर? नेटिव क्लियर है? ओके एवरीबॉडी, सवाल नंबर 20। यस, वेरी गुड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 पूछना है, नहीं पूछना है, एवरीवन गिव योर रिस्पांस। यस यस यस, ओके ओके ओके, देखिए ध्यान से सभी लोग, नहीं आया क्यों नहीं आया भाई, क्लास में करा रखा है नहीं करा रखा है? चलिए देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 20 देखिए। राइफल बुलेट लूजेस 1/20 ऑफ इट्स वेलोसिटी इन पासिंग थ्रू अ फ्लैंक, द लीस्ट नंबर ऑफ सच फ्लैंक्स रिक्वायर्ड जस्ट टू स्टॉप द बुलेट। तो एक क्लास में सवाल करा रखा है, बट आप नहीं कर पाए होंगे, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, तो रिवाइज नहीं किया होगा आपने, इसलिए नहीं हुआ। चलिए देख लेते हैं इसको एक बार। सो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 से दे रखा है, ये प्लैंक है, प्लैंक इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ कितनी यहाँ पे एक्स है, तो थ्री में यहाँ पे बना लेंगे, ये प्लैंक है और इसकी यहाँ पे लेंथ कितनी दे रखी है, यहाँ पे एक्स दे रखी है। और ये ऐसा बोल रहा है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी u है, तो फाइनली ये जैसे इधर जाते हैं ना, तो ये क्या होता है कि इनकी 1/20 जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, खत्म हो जाती है ना, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी 1/20 खत्म हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, तो सपोज इनिशियल वेलोसिटी इनके पास u है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, u माइनस u इंटू 1/20। इसका मतलब यही हुआ कि 120 खत्म हो जाती है, तो अभी इनका जो फाइनल वेलोसिटी है v है, तो v कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा u माइनस u अपॉन 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 19 u अपॉन 20, करेक्ट। यानी कि ये आपके पास क्या है, ये इसका आपका पाप है, ब्लैंक है, u वेलोसिटी से ये इधर आया और जैसे बाहर आया यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है 19 u अपॉन 20, करेक्ट। और यहाँ पे इसका जो थिकनेस है वो कितना है, x, करेक्ट। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? यस ईच एंड एवरीवन, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? सबको ये बात समझ में आ रही है? ओके चलिए अभी देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई, फाइनल वेलोसिटी पता चल गई, और यहाँ पे आपके पास क्या है, प्लैंक है जिसकी थिकनेस कितनी है भाई, सपोज मान लेते हैं एक्स है, तो अभी ये बुलेट यहाँ पे अंदर गया, और जब बुलेट जब अंदर गया तो क्या होगा भाई, इट इज फीलिंग सम रेसिस्टिव फोर्स, है ना, इसे एक रेसिस्टिव फोर्स फील हो रहा है इधर की तरफ, मतलब फ्रिक्शन जैसा कोई फोर्स इसे फील हो रहा है। तो मान लीजिए अभी यहाँ पे x है, तो इसके बाद जो वर्क डन होगा, फॉर्मूला लगा देते हैं, अभी यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू डेल्टा k, तो अभी ये क्या होगा, वर्क डन बाय ऑल यहाँ पे लिख लेंगे हम, फोर्स मान लीजिए f लग रहा है, तो इसको लिखेंगे माइनस ऑफ f इंटू x, f फोर्स हो गया, x डिस्प्लेसमेंट हो गया, इज इक्वल टू, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब k फाइनल माइनस k इनिशियल। तो इसको अभी हम यहाँ पे इक्वेशन ऐसे लिख लेंगे, इक्वेशन विल बी लाइक दिस, ये हो गया माइनस ऑफ एफ इंटू एक्स इक्वल टू, ये हो गया हाफ एम इंटू 19 यू अपॉन और 20 का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, इसको लिख लेंगे इक्वेशन नंबर वन। अब कितने ऐसे ब्लॉक्स लगाए जाए, तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे एन नंबर ऑफ ब्लॉक्स लगा दिए, कितने भाई, यहाँ पे एन नंबर ऑफ ब्लॉक्स लगा दिया, तो अभी क्या हो जाएगा भाई, अभी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई, इसकी यहाँ पे u है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी
जीरो हो जाएगी, है ना। मान लीजिए रुक गया, तो अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ एफ इंटू एन इंटू एक्स, तो डिस्टेंस बढ़ के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ एक्स। सो इज इक्वल टू, ये अभी यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे हाफ एम और यू स्क्वायर, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी भाई, जीरो हो जाएगी। तो ऐसा के फाइनल माइनस के इनिशियल जब आप लिखेंगे तो ये हो गया आपके पास कितना हो गया, जीरो, और सिर्फ आपके पास इनिशियल बचा है, इसको लिख लेंगे इक्वेशन नंबर टू। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ एफ इंटू एन इंटू एक्स इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, और एक माइनस के साइन के साथ ये बच गया आपके पास इक्वेशन नंबर टू। नाउ सॉल्व इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू एंड गेट मी द आंसर बाय टुमारो, इज इट ओके। इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, मुझे आप कल तक आंसर बताइए, ओके। तो बहुत लंबा चला हमारा डिस्कशन, और कोई डाउट बच्चों तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके लाइए, है ना। कल की क्लास में फिर इसको डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आंसर आया नहीं आया। एन की वैल्यू आती है 10.25 आती है एन की वैल्यू। तो क्लास में आपको जो लास्ट इलस्ट्रेशन कराया है उसके थ्रू आप जाइए, और एन की वैल्यू 10.25 आती है, तो आंसर लेते हैं एन इज इक्वल टू 11, 10 से थोड़ा ज्यादा यानी कि 11, ओके। सो कल आप इसको सॉल्व करके लाइए इक्वेशन को, हाँ जी, ओके। सो नाउ अभी जब हमने पूरे पेपर का डिस्कशन किया तो उसमें फॉर्मूला बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके जो क्लास नोट्स ओरिएंटेड थे, मतलब क्लास नोट्स में पढ़ा रखा है वो वैसा भी सवाल था, और डायरेक्ट फॉर्मूला भी था, कुछ अंडरस्टैंडिंग वाले भी क्वेश्चन थे, है ना। तो आप क्या करो, इस पेपर को ना एक बार और सॉल्व कर दो, है ना। आई एडवाइस दैट आप क्या करेंगे, इस पेपर को एक बार और जाके खुद से सॉल्व करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, कल का टॉपिक सर्कुलर मोशन। भाई थक गया क्या ये सब करके, इतना ज्यादा पढ़ा दिया क्या मैंने, भाई थक तो नहीं गए, यस सर थक गए, क्या करें, छोड़ दे क्लास। ठीक है, एक दो छोटी छोटी बातें करते हैं उसके बाद स्टॉप कर लेते हैं, तो नया दिन नया टॉपिक, किसी के कोई और डाउट ले लो, ओके, किसी को और डाउट ले लें, हाँ भाई बताइए, चलो अपने डाउट ले लो, ठीक है, कल पढ़ेंगे, ठीक है, टेल योर डाउट्स। तो भाई वो इक्वेशन सॉल्व हो कहनी चाहिए आपसे, है ना, लाइंस वाले, यस, टेल योर डाउट्स, और कुछ तो बताओ। लास्ट टाइम का पेपर डिस्कस हुआ ऋषभ, सारे क्वेश्चन हुए डिस्कस, हाँ जी बताइए सभी लोग, क्वेश्चन लास्ट पेपर का, लास्ट टाइम का पेपर डिस्कस हुआ नहीं हुआ, कितने लोग थे डिस्कशन में लास्ट टाइम के पेपर के, हुआ है ओके, तीन चार सवाल लेफ्ट है, तीन चार सवाल, कौन सा सवाल, ओके अभी वो पेपर निकालना पड़ेगा मुझे, पूरा नहीं हुआ, ओके। लास्ट टाइम पेपर बहुत इजी था, चेक, ओके, अगर आपके पास वो पेपर है तो सेंड मी क्लिप्स, है ना, स्क्रीनशॉट भेजिए, ओके। सो कल के क्लास में आप काइनेमेटिक्स थोड़ा आप रिवाइज करके आए, है ना, तो कल की क्लास में मैं क्या करूंगा, एक घंटे काइनेमेटिक्स का मैं रिवीजन लूंगा, ईच एंड एवरी वन, वन आवर काइनेमेटिक्स का रिवीजन होगा, और रिवीजन ऐसा होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चंस के साथ मैं उसका रिवीजन लूंगा, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा,
पहले 1 घंटे में काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 आवर में हम अपना सर्कुलर मोशन चालू करेंगे। ओके ऐप अलाउ नहीं करता। ओके चलो मैं आपको लास्ट टाइम का पीडीएफ भेज दूंगा, जस्ट सेकंड रुक जाओ, मेरे पास पीडीएफ है। आई विल सी, आई विल सर्च इट आउट। थ्री ब्लॉक्स ऑफ मास एम, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, आई एम ओपनिंग पेपर। ओके शिवम, यस डब्ल्यू पी के ना चेन वाले प्रॉब्लम्स, यस टुमारो ही रिमाइंड मी, चेन वाले प्रॉब्लम्स भी करेंगे कल की क्लास। यस डब्ल्यू पी के अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके वेरी गुड, करेंगे करेंगे। यस पेपर आ गया मेरे पास। पेपर आई विल शेयर दिस स्क्रीन। यस भाई ये रहा लास्ट टाइम का पेपर, दिस इज लास्ट टाइम। आई थिंक आपको पीडीएफ मिलती होगी ना, जो भी पेपर होता है उसका पीडीएफ जस्ट शेयर होता है। देखिए ये सवाल ही पेपर है, देखो आप इसमें कौन सा डाउट है आपको। कैन यू सी द पेपर? लास्ट टाइम में ओनली 15 क्वेश्चंस वर देयर। हाँ जी बताइए, इसमें कुछ डाउट है? क्वेश्चन नंबर 15। ओके 15 देख लेते हैं। द वर्क डन, देखिए अभी क्या है, एक्स इज इक्वल टू 3t-40² + pq। आप यहाँ पे दे रखा पार्टिकल का मास 3 ग्राम्स इन सच वे दैट, फिर पूछ रहा है कि वर्क डन इन फर्स्ट 4 सेकेंड। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये 3t-40² ओके 3t-40² + pq। तो यहाँ पे देखिए पोजीशन ऑफ द पार्टिकल दे रखा है आपके पास, x इज इक्वल टू 3t-40² + pq है ना। अभी पूछ रहा है कि फाइंड द वर्क डन इन 0 to 4 सेकेंड, फर्स्ट 4 सेकेंड्स। सो नाउ अभी आप क्या करेंगे इसका, आप dx/dt निकालेंगे। तो dx by dt निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी का फंक्शन आ जाएगा है ना। तो वेलोसिटी का फंक्शन आएगा तो ये कैसा आएगा आपके पास, 3t है या फिर 3 है, दिस इज 3t। सो नाउ अभी देखिए यहाँ पे ये आपके पास, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा आपके पास, दिस इज t माइनस 8t + 3t² है ना। अभी आप क्या करो, यहाँ पे वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 डालो, तो ये आपके पास आ गया 0 - 0 18 to 0 0 + 0 है ना। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 कितना आ गया आपके पास, 0 आया। नाउ अब दूसरी बार वेलोसिटी एट टाइम t
ओके, तो समझ पा रहे हैं यहाँ क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो मैंने क्या किया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया बाय यूजिंग डीएक्स बाय डीटी। तो डीएक्स बाय डीटी किया तो अभी यहाँ पे ये डिफरेंशिएट कर लिया मैंने यहाँ पे, फिर इसमें t इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो वेलोसिटी इनिशियल निकल गई, फिर t इज इक्वल टू 4 पुट कर दिया तो फाइनल वेलोसिटी आ गई, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। ओके, यहाँ से आपका आंसर आ जाए। यस, एनी मोर डाउट्स? हाँ, ये समझ में आया आपको? साक्षी, इज दिस क्लियर? देखिए, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, उसको आपने डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, है ना? फिर उसमें उसको आप टाइम की वैल्यूज पुट कर देंगे इनिशियल और फाइनल, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, फिर फॉर्मूला लगाएंगे वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। यस, फिर से बताओ। अजी, समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? यस, गिव योर रिस्पॉन्स। समझ पाए? अभी तो सुन रहे हैं आप लोग? यस, एनी मोर डाउट्स इन दिस पेपर? ओके, कैन यू हियर मी? ओके साक्षी, आप समझ? क्वेश्चन नंबर 15 समझ पाए? ओके, आई एम नॉट शेयरिंग स्क्रीन राइट नाउ, चलिए फिर से करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे बाकी के सवाल। गिव योर अटेंडेंस, गिव योर अटेंडेंस फास्ट।